हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में और उसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें अब तक डिस्कस कर ली हैं, जिसे मेंडल कौन थे, ये जो मेंडल लिखा हुआ है मैंने, आपने नाम तो सुना ही होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इन्होंने कौन से प्लांट को चूज किया था अपनी स्टडी के लिए, कौन सा प्लांट था, पाइसम सेटाइवम, इन्होंने उसको ही क्यों चूज किया था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंडल को ही इतनी सक्सेस क्यों मिली और मेंडल के जो वर्क था वो पब्लिश क्यों नहीं हो पाया था। हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी और मैंने 7 कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे जो मेंडल ने लिए थे, किसके बारे में, पाइसम सेटाइवम के बारे में 7 कैरेक्टर्स बताए थे इन्होंने, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। पाइसम सेटाइवम ये कौन सा प्लांट है, मटर का प्लांट, इसके बारे में हमने कुछ बातें डिस्कस की और वो 7 कैरेक्टर्स क्या है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज वो पूरी वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसके बहुत सारे टर्म्स हैं इस वीडियो में भी डिस्कस होंगे, जैसे F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, जीनोटाइप क्या है, फीनोटाइप क्या है, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस, एलील्स, जीन, ये सारी टर्मिनोलॉजी भी हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं, ये बहुत सारे कंडीशंस थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको दो तरीके से क्रॉस बनाना बताया था, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इन दोनों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस आएगा, तो इसलिए आपको वो वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज, कौन कौन से लॉज, मेंडल के जो लॉ है, 3 लॉ, आपने वैसे तो ये लॉ 10th में भी पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर ये लॉ क्या कहते हैं और क्यों इतने इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैंने यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस लिख दिया है क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस से ही डिपिक्ट किया जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस से एक पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस लॉ को, जो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, हम इन दोनों लॉ को पढ़ेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, पहले तो आप इसके स्टेटमेंट को याद करेंगे कि स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है, दिस लॉ states that in a heterozygous condition, अब heterozygous क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो एलील अगर डिफरेंट होते हैं तो वो heterozygous condition हो गई। अगर heterozygous condition में एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को रोक देता है तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल बात मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में भी समझाई थी कि डोमिनेंट एलील क्या होता है और रिसेसिव एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील क्या होता है, डोमिनेंट एलील वो है जो अपने एक्सप्रेशन को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर देगा, तभी तो वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा, अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा रिसेसिव एलील। तो वही जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कुछ नई बात नहीं है, ये वही है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, बस उसको एक लॉ का मॉडिफाई करके एक लॉ का फॉर्म ले लिया है। तो अब हम देखते हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझाई जा सकते हैं। ये दोनों लॉ पढ़ाने से पहले मैंने आपको इसीलिए इससे पहले वाली वीडियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, अब आपको समझ में आया कि मैंने पहले ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों समझा दिया, क्योंकि अगर वो मैंने नहीं पढ़ाया होता तो आपको ये लॉ बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। तो बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भागदौड़ी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वीडियो सारी देखिए तभी आप उससे लिंक कर पाएंगे, आपको वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एलील क्या है और हेटरोजाइगस क्या है, F1 जनरेशन क्या, गैमी सेल्फ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद में हम अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस आखिर किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ इसका स्टेटमेंट देखा है, एक्सप्लेनेशन भी तो समझ नहीं है हमें, तो हम एक्सप्लेन किससे एक्सप्लेन करेंगे बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ये पूरा जो भी मैंने क्रॉस बनाया है कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम ये दोनों लॉ बताते हैं। तो हम लेके क्या करते हैं, टॉल प्लांट लिया, डॉप लिया, ऐसा नहीं कि आप यही प्लांट ले सकते हैं, मैं हर बार टॉल डॉप ले लेती हूँ तो आपको लगता है कि
हर जगह आप टॉल डॉग ले लेती हैं, इसका मतलब क्या है? ये हम कोई सी भी प्लांट ले सकते हैं, डोमिनेंट होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए। तो ये लिया टॉल, ये लिया डॉग, टॉल के गैमेट सेम बन गए, कैपिटल डी स्मॉल डी गैमेट्स। अभी क्रॉस कराया, क्या बना? कैपिटल डी स्मॉल डी, ये गैमेट्स है और ये बनी हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड एफ1 जनरेशन है, तो ये एफ1 जनरेशन बन गई। अब इस एफ1 इतनी सी बात में पूरा लॉ है, देखिए ये क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी हाइब्रिड बना है, इसमें आप पूरा लॉ समझा सकते हैं। जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी बना क्या पता, ये प्लांट बना टॉल जबकि हमने डॉग भी लिया था, तो यहाँ पर डॉग अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, तो ये टॉल कैरेक्टर ही शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर टॉल डोमिनेंट है और इसने रिसेसिव के कैरेक्टर को सप्रेस प्रिवेंट कर दिया। इतनी सी बात है, आप पूरा लॉ समझा सकते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस करता है और दूसरे की एक्सप्रेशन को रोक देता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिए इन तीनों लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो दोनों लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वैलिड नहीं है प्रॉपर। तो ये जो लॉ है प्रॉपर वैलिड है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू ट्रेट्स, दो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स आपस में आते हैं, साथ में आते हैं हाइब्रिड पेयर में, समझिए ध्यान से, जब दो कैरेक्टर्स साथ में आते हैं हाइब्रिड पेयर में। ये कहां पर दिख रहा है आपको हाइब्रिड पेयर, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन आप यहीं से यहां से समझना शुरू करिए। जब दो कैरेक्टर ट्रेट साथ में आते हैं हाइब्रिड पेयर में, तो क्या होता है, वो ब्लेंड नहीं करते हैं, डू नॉट ब्लेंड। सिर्फ इतनी टर्म से पूरे लॉ का नाम चेंज हुआ है, डू नॉट ब्लेंड। इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे वैसे हम, लेकिन ये ब्लेंड नहीं करते हैं, सिर्फ इस टर्म से नाम लिया गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये ब्लेंड नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक अच्छा है, अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटीज है, उससे एक बुरा है, ठीक है, गुंडागर्दी टाइप, तो वो दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है, तो ये साथ में है लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को क्या है अभी बस साथ में आप काफ नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ में है बस एवन जनरेशन में, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो मान लीजिए एक आईएएस बन गया और एक क्या बन गया, गुंडा बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको F2 जनरेशन में डॉग करेक्टर दिख रहा है, इसका मतलब अपने अपने करेक्टर शो करेंगे बाद में, ठीक है, पहले साथ में थे, दोस्त थे, लेकिन बाद में ये अपने अपने करेक्टर शो करेंगे। तो बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि दोनों साथ में तो है लेकिन ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपने करेक्टर कहाँ शो कर रहे हैं, F2 जनरेशन। दोनों कैरेक्टर कहाँ रिकवर हो रहे हैं, F2 जनरेशन में रिकवर हो रहे हैं, मतलब अब तक हाइब्रिड पेयर में ही अब साथ में थे हाइब्रिड पेयर में और ब्लेंड नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, लेकिन बाद में F2 जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स क्या करेंगे, रिकवर कर देंगे। जैसे आप देखिए सेल्फिंग जब हम कराते थे, सेल्फिंग क्या होता है, एक ही जनरेशन के दोनों प्रोजेनिस को सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग कराई जब, तो ये दोनों गैमेट्स बने, इसके दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, हेटरोजाइगस। आप यहाँ कहेंगे हाँ दो टाइप के गैमेट्स के लिए बने, यार ये दो ही सेम है, मान लो चलो दो टाइप के गैमेट्स बन जा रहे हैं, लेकिन बनेंगे तो कैपिटल डी, इसलिए हमने उनकी बार करके दिखाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पर भी दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, इसे हम पोलर स्क्वायर से भी समझ सकते थे। जैसे ये पोलर स्क्वायर बनाया था मैंने, इधर एक मान लो मेल की गैमेट लिख दिए, इधर फीमेल की गैमेट लिख दिए, क्रॉस कराया कैपिटल टी कैपिटल डी, इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल डी, इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल डी, इसको इससे कराया स्मॉल टी स्मॉल डी। अब कहेंगे आप कितनी जल्दी जल्दी मैंने समझा दिया, जल्दी जल्दी समझा दिया, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझाया है, आप वो देख लीजिए। देखिए अब इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे इसको हमने छुपा दिया, इसकी क्रॉस इन दोनों से कराई, फिर इसको छुपा दिया, इसकी क्रॉस इन दोनों से कराई, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चार तरीके के ये आपको प्लांट दिखेंगे, ये बना टॉल, ये बना हेटरोजाइगस टॉल, ये बना डॉग। इसका मतलब है जो कैरेक्टर अब तक नहीं दिख रहा था वो हमें F2 जनरेशन में दिखने लगा। बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जो गैमेट्स है वो प्योर है और इंडिपेंडेंट है,
आगे आके अपना कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये दोनों लॉज हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ। तो अब तक आपने जो भी मैंने जो वीडियो समझाई है, जो वीडियो में मैंने सब समझाया है, प्लीज आप वो सारा देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, तभी आपको ये सारे आगे भी इससे आपको लिंक करना है। तो ये चैप्टर इतना इजी नहीं है, तो इसलिए प्लीज आपको हर एक वीडियो को एक दूसरे से लिंक करके चलना है। आगे हम बात करेंगे डायल हाइब्रिड क्रॉस, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन आपने टेंथ में अगर अच्छे से पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बढ़िया से समझा दूँ।